ये पल्सर 150 है, अच्छा 2019 का मॉडल है, डबल डिस्क का गाड़ी है। ये 160 NS वो 2023 का मॉडल है, अच्छा ठीक है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। ये भी फर्स्ट ओनर गाड़ी है, अच्छा। ये क्लासिक है, ये 2020 का मॉडल है, ठीक है। गाड़ी एकदम ओके कंडीशन में है, गाड़ी में कुछ भी खर्चा नहीं मिलेगा आपको। ये गाड़ी 2023 का गाड़ी है, अच्छा 23 का फर्स्ट ओनर गाड़ी है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, चला हुआ है, ठीक है। ये 2019 का मॉडल है, अच्छा ठीक है, ग्राज ये भी फर्स्ट ओनर गाड़ी है, ये भी फर्स्ट गाड़ी का देख लीजिए एकदम फंटास्टिक। हेलो एवरीवन, तो दुर्गा पूजा से पहले ये अपना लास्ट वीडियो होने वाला है, इसके बाद वीडियो आएगा पूजा के बाद। और आज दोबारा से आ चुके हैं हम लोग दादा भाई मोटर्स पे, जो है राखाल हाट में। राखाल हाट का है ये, है मैनागुड़ी और लाटागुड़ी के बीच में सिंगीमारी मोड़ आएगा, उससे 2-2.5 किलोमीटर के अंदर पड़ता है राखाल हाट। और यहाँ पे है दादा भाई मोटर्स, जो है सेकेंड हैंड बाइक शोरूम। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, बहुत सारा स्टॉक है। और हमारे साथ शोरूम के ओनर आलमदा, क्या हाल चाल है दादा? अच्छा है, अच्छा है, बहुत बढ़िया। तो शोरूम का लोकेशन तो मैंने बता दिया, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा, वहां भी चेक कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए दादा ये पल्सर से शुरू करते हैं, क्या डिटेल्स है पल्सर का? ये पल्सर 150 है, अच्छा 2019 का मॉडल है, डबल डिस्क का गाड़ी है, अच्छा। ये गाड़ी 38,000 चला हुआ है, गाड़ी 38,000 फर्स्ट ओनर गाड़ी है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, अच्छा। और क्या प्राइस रखे है? इसका प्राइस रखा है 65,000। और ये प्राइस नेगोशिएबल हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा, थोड़ा बहुत हो जाएगा। उसके बाद NS 160, ये 160 NS वो 2023 का मॉडल है, अच्छा ठीक है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, हाँ ये भी फर्स्ट ओनर गाड़ी है, अच्छा। बेहतर कंडीशन में भाई, टायर कंडीशन बेहतर कंडीशन में, ब्रांड न्यू कंडीशन में है टायर दोनों के दोनों। और कितने में दे रहा है आप ये? ये गाड़ी है 110,000 रखा हुआ है, 110,000। कितना चला हुआ है इसका? ये 14,000 चला हुआ है, 14,000 सिर्फ 14,000 किलोमीटर चला हुआ, 110,000 आस्किंग प्राइस है। ये प्राइस भी नेगोशिएबल हो जाएगा दादा भाई मोटर्स पे। नीचे आलमदा का नंबर आ रहा है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो दादा से बात कर सकते हैं। उसके बाद 350 क्लासिक, क्या डिटेल्स है? 350 क्लासिक है, एक ग्रे कलर में है गाड़ी, ये 2018 का मॉडल है, गन मेटल ग्रे में 18 का, ये BS4 में है, BS4 में है गाड़ी, एलओई लगा हुआ है, पूरा सजा हुआ है गाड़ी, अच्छा। गाड़ी में ऐसा कोई खर्चा नहीं है गाड़ी में, ये भी फर्स्ट ओनर है, ये भी फर्स्ट ओनर गाड़ी है, बहुत बढ़िया। और प्राइस क्या रखा है इसका? इसका प्राइस रखा हुआ है 128,000 में, 2018 की मॉडल ना है, 2018 का मॉडल, 18 का मॉडल, फर्स्ट ओनर गाड़ी, 128,000 में आपको मिल जाएगा यहाँ पे। उसके बाद एक और 350 क्लासिक, क्या डिटेल्स है इसका? ये क्लासिक है, ये 2020 का मॉडल है, ठीक है। गाड़ी एकदम ओके कंडीशन में है, गाड़ी में कुछ अच्छा। भी खर्चा नहीं मिलेगा आपको, हाँ। अभी आके कोई खर्चा देखेगा तो हम करा के दे देंगे, अच्छा। जो भी कस्टमर को नीड होगा तो वो शोरूम की तरफ से कर दिया जाएगा, कर दिया जाएगा, ठीक है। और क्या प्राइस है? ये 18,000 चला हुआ है गाड़ी, अच्छा ठीक है। इसका प्राइस रखा हुआ है हम लोग 155,000। ये BS4 में, BS6 में है? ये BS6 में है, अच्छा ये BS6 में है, 155,000 इसका आस्किंग प्राइस है। अगर आप पूजा से पहले R15 हर्षन 4 ढूंढ रहे तो यहाँ पे अवेलेबल है, इधर दिखाओ क्या डिटेल्स है वर्षन 4 का? ये वर्षन 4 ब्लैक में है, ये गाड़ी 2023 का गाड़ी है, अच्छा 23 का फर्स्ट ओनर गाड़ी है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, चला हुआ है इसका, ये गाड़ी चला हुआ है 16,000 चला हुआ है, अभी सिर्फ 16,000 किलोमीटर चला हुआ, 23 का मॉडल, 23 का मॉडल 4, ये भी फर्स्ट ओनर गाड़ी, ये भी फर्स्ट ओनर। और क्या प्राइस है इसका? इसका प्राइस रखा हुआ है 165,000 आस्किंग प्राइस है, और ये प्राइस भी नेगोशिएबल हो जाएगा, थोड़ा बहुत। बाहर का तो हमने ICC वाला बाइक दिखा दिया, और रीफाइनेंस कौन कौन सी एरिया के अंदर कर रहे हैं आप लोग? रीफाइनेंस तो अभी मान लो आप लोगों का इधर जलपाईगुड़ी तो हो ही जाएगा, हाँ जलपाईगुड़ी दार्जिलिंग तो हो जाएगा, अच्छा ठीक है। आप लोगों का अलीपुर अलीपुर कुछ बिहार हो जाता है, मतलब अच्छा, ऐसे अच्छा। भी हो जाता है आसपास का बाजू का एरिया, आसपास के सारे डिस्ट्रिक्ट में लगभग ऑल ओवर नॉर्थ बंगाल में हो जाएगा रीफाइनेंस, ओके। उसके बाद XL 100 इधर दिखाओ, क्या डिटेल्स है XL 100 का? ये भैया ये 2021 का मॉडल है, अच्छा ठीक है, सेल्फ भी है ये गाड़ी में, ठीक है। इसका प्राइस रखा हुआ है अभी 45,000 21 का, ये भी फर्स्ट ओनर गाड़ी, ये भी फर्स्ट ओनर गाड़ी है, 45,000 आस्किंग प्राइस है। उसके बाद एंटॉक, क्या डिटेल्स है एंटॉक का? ये एंटॉक 2020 का मॉडल है, ठीक है, इसका प्राइस रखा हुआ है 45,000 20 का एंटॉक, और ये भी फर्स्ट ओनर गाड़ी, ये भी फर्स्ट ओनर गाड़ी है। यहाँ पे ज्यादातर गाड़ियां फर्स्ट ओनर ही है दादा भाई मोटर्स पे। और 45 में क्या रिफाइनेंस होगा इस गाड़ी में, एंटॉक में? नहीं नहीं होगा इसमें, इसमें नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद रेजियर, क्या डिटेल्स है इसका? डिटेल्स है ये 2021 का गाड़ी है, अच्छा। ठीक है, ये भी फर्स्ट ओनर गाड़ी है, दिखाओ ठीक से पूरा गाड़ी दिखाओ ऊपर से। और क्या बाकी क्या डिटेल्स, कितना चला होगा इसका रेजियर का? इसका गाड़ी 26,000 चला हुआ है, 26,000 किलोमीटर, और कितना प्राइस है इसका?
इसका प्राइस रखा है हम लोग 60,000 और ये प्राइस भी नेगोशिएबल हो जाएगा। हो जाएगा, थोड़ा बहुत हो ही जाएगा, थोड़ा बहुत हो जाएगा। और आपका वीडियो देख के आएगा तो थोड़ा बहुत कर देगा। अच्छा, वीडियो से कोई आएगा यहाँ पे आके बोलना पड़ेगा हम लोग व्हीली बाना चैनल का वीडियो देख के आए, उसके बाद आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसमें कितना डाउन पेमेंट करना पड़ेगा अगर रिफाइनेंस करना चाहिए? इसमें कितना डाउन है? 20-25 हजार। सिर्फ 20-25 हजार रुपए लाने से आपको ये बाइक आप यहाँ से ले जा सकते हैं। उसके बाद व्हाइट कलर में ग्राजिया, क्या डिटेल्स है? ये 2019 का मॉडल है। अच्छा, ठीक है, ग्राजिया ये भी फास्ट ओनर गाड़ी है। ये भी फास्ट गाड़ी का देख लीजिए, एकदम कंडीशन में, टायर कंडीशन लिखा हो भाई यहाँ पे, ओके कंडीशन में ही है। और कितना प्राइस है इसका? इसका प्राइस रखा हुआ है हम लोग 50,000 रखा हुआ है। 50,000 आस्किंग प्राइस है। और ये प्राइस नेगोशिएबल हो जाएगा, थोड़ा बहुत हो जाएगा, थोड़ा बहुत कर दिया जाएगा। और ओनरशिप चेंजेस का क्या है दादा? ओनरशिप चेंज करने का जो कस्टमर गाड़ी लेगा हम लोग यहाँ से करवा के देगा, मगर ओनरशिप चेंज करने का जो खर्चा होता है वो पैसा ओनर देगा। जो भी गाड़ी लेगा, जो हमने दिखाया अभी तक, या XL 100 हो, स्कूटी हो, बाकी जो भी स्कूटी दिखाया, बाइक हो, वो अमाउंट ओनरशिप चेंजेस का जो अमाउंट लगता है वो कस्टमर को देना पड़ेगा, और बाकी जिम्मेदारी आप लोगों का है। बाकी जिम्मेदारी हम लोगों का, ठीक है। इधर दिखाओ, ग्लैमर में आते हैं, क्या डिटेल्स है ग्लैमर का? ये ग्लैमर 2017 का मॉडल है। अच्छा, 2017 का मॉडल है, ये भी फर्स्ट ओनर गाड़ी है। ये भी फर्स्ट ओनर गाड़ी है, ये भी फर्स्ट ओनर गाड़ी है। और कितना अच्छा कंडीशन में है गाड़ी? ये चला हुआ है 38,000 चला हुआ है गाड़ी। 38,000 प्राइस क्या है इस गाड़ी का? इसका प्राइस रखा हुआ है हम लोग 48,000 आस्किंग प्राइस है। और ये प्राइस भी नेगोशिएबल हो जाएगा, फिक्स प्राइस नहीं है, थोड़ा बहुत नेगोशिएबल हो जाएगा। यहाँ पे व्हीली बाना चैनल का नाम बोलना पड़ेगा फिर। उसके बाद FZS, क्या डिटेल्स है FZS का? ये भी 2018 का मॉडल है FZS, ठीक है, ये भी अच्छा कंडीशन में है गाड़ी। अच्छा, इसका प्राइस रखा हुआ है हम लोग 45,000 18 का मॉडल है। अच्छा, FZS, ये भी फर्स्ट ओनर गाड़ी है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, बेहतर कंडीशन में ही है। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे हमने दिखा दिया कि हाँ हम लोग भूली भाना चैनल की तरफ से आए, डिस्काउंट दो, बाइक लेके चलेंगे, आओ सामने बाइक देखो, सामने आके गाड़ी को थोड़ा बहुत के बाद खर्चा होगा ना हम लोग करवा के दे देंगे। अगर आपको लगता है कि इस गाड़ी में ये सही करना जरूरी है तो फिर शोरूम की तरफ से वो कर दिया जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद आज की आखिरी जो बाइक है वो है पल्सर 180, क्या डिटेल्स है इसका? ये पल्सर 150 है। अच्छा, ये 50 है? हाँ, 50 है। क्या डिटेल्स है इसका? सॉरी, ये 2013 का मॉडल है, 13 का 150 है, 2013 का ब्लैक में है। इसका प्राइस आएगा 27,000 27,000 आस्किंग प्राइस है 13 का पल्सर 150। क्या ये फर्स्ट ओनर सेकंड ओनर है? ये सेकंड ओनर होगा। अच्छा, ये सेकंड ओनर गाड़ी है, लेकिन ये फाइनेंस नहीं होगा, ये नहीं, 13 का मॉडल कैश में लेना है, वो 18 का एड्रेस हो जाएगा। हाँ, वो फाइनेंस हो जाएगा। अच्छा, वो हो जाएगा, ये कैश में डील करना होगा, इसलिए प्राइसिंग भी रखा है सिर्फ और सिर्फ 27,000। और ये प्राइस भी नेगोशिएबल है, फिक्स प्राइस नहीं है। आपके व्हीली बाना चैनल का नाम लो, डिस्काउंट आपको मिल जाएगा इस बाइक में भी। तो हमने आपको दादा भाई मोटर्स पे जो भी स्टॉक था अभी हमने आपको दिखा दिया। अगर आपको शोरूम पे किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कोई भी जानकारी लेनी हो तो नीचे आलमदा का नंबर आ रहा है, दादा को कॉल करो, पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। आपको किसी भी बाइक हो, स्कूटी हो, की जरूरत हो तो दादा के पास अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा। उधर दिखाओ, दादा भाई मोटर्स जो है राखालहार में, और राखालहार कहाँ है? सबसे पहले आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहां पे आपको एड्रेस, फोन नंबर सब कुछ मिल जाएगा। और राखालहार है मैनागुड़ी और लाटागुड़ी के बीच में, सिंगीमरी मोड़, वहां से 2-2.5 किलोमीटर अंदर राखालहार मार्केट में ही है दादा भाई मोटर्स। तो आपको वीडियो कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना, आज ये स्टॉक कैसा लगा। और बाकी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना, और फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।